बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज मैं माशाल्लाह अपने एक दोस्त की दुकान पे आया हूँ, जिनके अंकल माशाल्लाह ये अल खलील थी माशाल्लाह लिम्बान में, इन्होंने जिन्होंने शुरू किया तकरीबन 2-3 साल जैसे हो गए हैं। ये माशाल्लाह अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे मिले हैं और माशाल्लाह उन्होंने बोला कि हमारी दुकान की भी बनाई, उन्होंने बनाई थी और उन्होंने कहा अभी बना दो, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह ये अल्लाह के करम से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अल खलील टी सेंटर जो है माशाल्लाह ये हमारे सूरत में बड़ी मशहूर है और काफ़ी सारी जगहों पर माशाल्लाह इनकी दुकानें हैं, जैसे चौक बाज़ार है, फिर कमेला है, दिल्लीगढ़ है और बहुत सारी जगहों पर इनकी दुकानें हैं माशाल्लाह। ये अभी लिम्बायत में भी माशाल्लाह खुली हुई है, संगम बैंड के पास, संगम बैंड पास उतरेंगे तो वहीं पे, मतलब जहाँ पे पहले का अन्ना की एक चाय की दुकान करके थी उसी साइड में, मतलब ये दुकान है चाय की इनकी। और ये माशाल्लाह ये भाई है, बहुत अच्छी तरीके से मैं इनसे बातें कर रहा था और काफ़ी आवाज़ बाहर से, मतलब बाहर का जो साउंड होता है ना पब्लिक का और जो हवा वगैरह उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने ये आवाज़ बाहर का पूरा बंद करके मैं अलग से वॉइस डाल रहा हूँ। ये पूरी माशाल्लाह तकरीबन 9-10 थैली है दूध की डाल रहे हैं। ये माशाल्लाह सुबह में तो ये खुल जाती तकरीबन, समझो कि फजर बाद तकरीबन 7 बजे खुल जाती और रात को तकरीबन 10-10:30 बजे तक खुली रहती है अप्रॉक्स करके। माशाल्लाह अच्छा है। और खलील टी सेंटर माशाल्लाह सूरत में बड़ी मशहूर भी है और काफ़ी नाम भी है और टेस्ट भी इनका बड़ा अच्छा होता है। ज़्यादातर ये बता रहे थे, इसमें भी आगे वो एक भाई की भी वीडियो आ रही है, बता रहे थे जैसे कि पहले चाय पीने के लिए बाजार वगैरह जाना पड़ता था, लेकिन माशाल्लाह जैसे वहाँ छोटी है तो इसलिए नहीं जाना पड़ता है। तो चाय का सब टेस्ट अलग है और माशाल्लाह इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और सूरत में तो कितनी जगह माशाल्लाह इनकी दुकानें हैं, माशाल्लाह चौक बाज़ार में गाड़ी बड़ी इनकी शायद काफ़ी बड़ी ब्रांच है, उसके पहले भी दूसरे लोगों ने माशाल्लाह वीडियो डाली हुई है। इसका दूध वगैरह कि क्या बताएँ, बाहर का दूध काफ़ी सारे लोग देखते हुए माशाल्लाह काउंटर है, दूध बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं हमारे भाई, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। समझे कि यही सारी पूरी मैनेजमेंट इस शॉप की यही संभालते हैं, कभी किसी को ऑर्डर के लिए बनाना हो तो भी बनवा सकते हो। मैं इंशाल्लाह इनका नंबर लेके इनसे इजाज़त लेके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लिम्बायत में रहते हो तो आप ज़रूर एक बार इनकी होटल पर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। भाई से मिला माशाल्लाह, इनका भी नेचर बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छी तरीके से बातचीत वगैरह करते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से माशाल्लाह कस्टमर को अटेंड भी करते हैं। और इनके बाजू में ही हमारे एक हाफिज़ साहब की दुकान है, जो इनसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तैयबा पान कॉर्नर की गालिबन थी, तो वो भी माशाल्लाह इनके एग्जैक्ट बाजू में ही है। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी फरसान है, फिर क्या बोलते हैं अपने पैकेट ठंडा वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी। तो ये माशाल्लाह अपने दोस्त लोग होते हैं तो इनकी हेल्प करने की कोशिश करें, माशाल्लाह हिम्मत करके कुछ ना कुछ अपना कारोबार शुरू करते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला इन लोगों के कारोबार में खूब बरकत भी अता फरमाए और जो भी लोग हैं वो सब मिलके अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करने की कोशिश करें। आपके पहचान में भी जो इस तरह कुछ भी कारोबार करता हो तो उसको ज़रूर सपोर्ट करें, उनसे माल ले खरीदें, उनसे तिजारत करें। माशाल्लाह ये अच्छा तरीका है, अपने बुजुर्गों का तरीका है। माशाल्लाह हम दूसरी सब जगह जाते हैं, अपने मुसलमान भाई और अपने जो दोस्त लोग रहते हैं हम इनको इनसे दूर है और इनकी कोई दुकानें वगैरह या इनका कुछ कारोबार रहता तो इनसे इतनी ज़्यादा मिलना वगैरह नहीं होता, लेकिन कोशिश यही करें कि जितने अपने ये रहते हैं जुड़े हुए अपने से करीब वाले, उनका जो बिज़नेस हो, उनका जो तिजारत कर रहे हो, जो भी कारोबार कर रहे हो, उनको उसमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, उनके पास जाए, उनसे ख़रीदारी करें, उनको माल बेचें या उनसे माल ख़रीदें। इंशाल्लाह इससे बड़े फ़ायदे होंगे और इंशाल्लाह काफ़ी उरूज भी, इंशाल्लाह हमारे जो कारोबार करते हैं भाई लोग दोस्त लोग उनको काफ़ी माशाल्लाह इसमें मदद भी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह ये आप ज़रूर एक बार ज़रूर विज़िट करें माशाल्लाह। तो अभी आप आगे देखिए बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह इसमें, पूरी दुकान की वीडियो हालाँकि बहुत ज़्यादा लंबी बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है जितनी हो सके, काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने कट कर दी है इसमें से। ये अभी आपको दिख रही है जो वीडियो सामने है टीवी, ये अपने सामने हाफिज़ साहब की दुकान दिखा रहे थे वीडियो टीवी के अंदर, जिससे यहाँ पे टोकन वगैरह चाय मोड़ से नहीं लिखा हुआ है। ये इनके अंकल है जिन्होंने माशाल्लाह जो शॉप के ऑनर कह सकते हैं आप, जैसे कि ऑनर ही है, इन्होंने ही शुरू किया है। माशाल्लाह अल खलील के रिश्तेदार भी है बता रहे थे, मैंने इनको पूछा कि आपने अल खलील की फ्रेंचाइज़ी लिए, तो कहा नहीं नहीं ये अंकल मेरे उनके रिश्तेदार है इसलिए यहाँ पर उन्होंने शुरू किया। तो ये भी माशाल्लाह एक अच्छा है कि माशाल्लाह काफ़ी बढ़िया काम है अल्लाह के करम से। और काफ़ी सारे बातें अभी मैं इनके साथ कर रहा था कि कितनी देर आप खुली रखते हो या फिर कितने बजे, मतलब क्या क्या होता है, मतलब कितने बजे खोलते हो कितने बजे बंद करते हो, या फिर
कितनी मतलब चाय जाती है, बाकी वो सारी चीज़ें मैं उनसे पूछ रहा था, लेकिन वो बाहर का इसमें आवाज़ इतना आ रहा था ना कि मैंने सारा बाहर का आवाज़ मतलब वो इरेज मेरे को करना पड़ा। अगर मैं बाहर का आवाज़ रखता तो मतलब इतना ज़्यादा खर 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 होता कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने वो बाहर का पूरा आवाज़ इरेज कर दिया है। तो आगे अभी शायद मैं क्या इतना बोलूँ, आगे पूरी वीडियो भी इंशाल्लाह शायद साइलेंट मोड में चलेगी, तो आप ज़रूर मुकम्मल देखिएगा और इंशाल्लाह दुआओं से नवाज देगा। और जो भी कारोबार कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, लिम्बैत में चौगनी तरक्की अता फरमाए, और अगर लिम्बैत में रहते हैं तो ज़रूर एक बार इनके शॉप पर विज़िट करें, है ना, इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। जज़ाकअल्लाह खैरा, दुआ खैर में याद रखिएगा। आप आगे वीडियो देखें, मैं इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कैसी लगी चाय भाई आपको? चाय तो बढ़िया है ही। अच्छा, सबसे ज्यादा मेरी भाई की सर्विस अच्छी है। माशाल्लाह, क्या बात है, रोज आते हो? हाँ भाई, सुबह से। क्या बात है, माशाल्लाह। आपको कैसी लगी चाय भाई? बहुत प्यारी, बहुत रोज आते हैं आप? कब से भी थे यहाँ पे चाय?
क्या मतलब 2-3 साल माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। चौक बाजार बराबर, यहाँ खुलने से फायदा हो गया, फायदा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद भाई माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपने मुकम्मल वीडियो देखी होगी, आपको अच्छा लगा होगा। माशाल्लाह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आप एक बार ज़रूर विज़िट करें, अच्छा है माशाल्लाह। चाय का टेस्ट भी मैंने भी, हालांकि मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे दी तो मुझे पीना पड़ी। दुआ खैर में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।